ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਫ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ, ਪਰੇਡ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। JCB ਤੱਕ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ना कि सिर्फ पंजाब ते हरियाणा दे रहन वाले किसान मजदूर आम जनता मौजूद हैं पर मौजूद हैं जिस तरह सानू पहले भी दिखाया किन्नी सपोर्ट उन्होंने हैगी इस अंदोलन लई इस मोर्चे दे विच जो तुर के आए हैं अगे वध रहा है दिल्ली तक जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस वालों हले तक साड़ी टीम इत्थे है मैं तुहानूं लाइव आ रही हूं तुसीं वेख सकदे हो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वेले खड़ी हन उन्होंने वालों कोई रिएक्शन नहीं सानूं वेखण नूं मिल रहा की कुछ हो रहा है किस तरह ए अंदोलन ए प्रोटेस्ट अगे वध रही है किथे जाके रुकणगे जो राउट इन्हां नूं दित्ता गया सी कि ओ राउट नूं ए मनणगे उन्हूं फॉलो करनगे इस वेले काफी हलचल देखण नूं मिल रही है सानूं काफी इत्थे थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इन्नी भीड़ जाई किथे होर सीन्स टिकरी बॉर्डर दी जो ट्रैक्टर मार्च हैगी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हां नूं रोकण दी कोशिश कर रहे हन लोकी ओदा जवाब दे रहे हन अपनी गिनती ते अपनी शक्ति इन्नी वड्डी गिनती दी शक्ति दिखा रहे हन साडे नाल जुड़े रहो ब्रेकिंग न्यूज तुहानूं नंगलोई पुलिस फोर्स नीचे रह गई है तुसीं ए सीन पहुंचे हुए हैं किस तरह ओ पुलिस फोर्स नीचे गिरी हुई है नवा नाटक है जी देखो पहली बार देखा की होना जी नवा नाटक हो गया पहला सानू कहते 26 जनवरी ते आज परेड करो हुण नवा नाटक देखो तुसी आज पुलिस फोर्स थल्ले क्यों बैठी हुई है ये कहंदे साडे ते चढ़ा दियो ये नवा नाटक है जी जवान थोड़ी मारने भी साडे भरा है पर इन्हां अकल होनी चाहिए भी आपके भरावां नाल की कर रहे हैं असीं तां जी देशद्रोही आखणे फौजां नूं भी कमाल होगी साडी राजधानी है असीं चले आ शांतमई धरना है साडा कोई असीं किसे नाल कोई ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਨੰਗਲੋਈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਗਲੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਲੇ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਟਰੈਕਟਰਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ
नौजवान अगे वधने शुरू हो चुके हैं, तो अगे भी पुलिस के वलों बैरीकेडिंग की गई है। सांझा किसान मोर्चा के वलों करीब जो दिल्ली के परेड खत्म होनी सी उस तो बाद परेड कढ़नी सी कढ़ी जानी सी, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों अपनी परेड की शुरुआत कर दी गई है। तो इस वेले ट्रैक्टर जिहड़े ने वो अगे वधने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर तुहाडे सामने इस वेले तुसीं वेख पा रहे हो, 8 बजे के करीब ऐलान किया गया सी, ते बहुत ही वड्डी गिणती च नौजवान अगले पासे पहुँच गए हैं जी, हत्थां दे विच झंडियां लैके, ते नाल दी नाल ट्रैक्टर भी जिहड़े ने वो अगे वधने शुरू हो चुके हैं। ट्रालियां बकायदा ट्रैक्टर दे नाल जुड़ियां गईयां ने, एक एक ट्रैक्टर के उत्ते 7-7, 8-8 नौजवान जिहड़े ने वो सवार हो चुके हैं। और तस्वीर तुहाडे सामने है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच ये ट्रैक्टर परेड की शुरुआत कर दी गई है जी। बकायदा ट्रालियां भी जोड़िया गई ने, अगे वधने शुरू हो चुके हैं नौजवान, तो तस्वीर लगातार असीं तुहानूं विखाउंदे रहांगे। इस पासे तुहानूं दिखाउणा चाहांगे कि किवें हुण ट्रैक्टरां दा काफला जिहड़ा अगे वध रहा है। रिंग रोड का ऐलान किया गया किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों बकायदा कि असी रिंग रोड के उत्ते जावांगे, क्योंकि रिंग रोड का पहला ऐलान होया सी, उस ऐलान तो पिछे नहीं हटणगे। बीते कल जिहड़ा सी ओ मीटिंग भी होई सी पुलिस अधिकारियों के नाल, जो कि किसी सिटे ते नहीं पहुँच सकी सी, ते फिलहाल ट्रैक्टरां दा काफला जिहड़ा है वह अगे वधना शुरू हो चुकिया है। निशान साहब लग्या होया, तो इस तो अलावा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का झंडा लग्या होया, तिरंगा झंडा भी बकायदा इन्हां नौजवानों ने अपने ट्रैक्टरां के उत्ते लगाया होया। तो परेड जी इसकी शुरुआत हो चुकी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच, ते इस वेले ये परेड जी है वो रिंग रोड वाले पासे कढ़ी जानी है। इसका ऐलान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगुआ ने किया सी। बहुत वड्डी गिणती च नौजवान जिहड़े ने हत्थां दे विच झंडियां लैके इत्थे एकत्र होए ने, ते तस्वीरां लगातार असीं तुहानूं दिखाते रहांगे कि इस तरीके दे नाल ये ट्रैक्टर परेड अगे वधदी है, अगे जाके की कुछ नज़ारा इस पूरी परेड का रहिंदा है। हालांकि पुलिस वल्लों जिहड़ा इस नूं रोकण की पूरी कोशिश की जाएगी। अगे वाले पासे दिल्ली वाले पासे जेकर असीं गल करिए, रोहिणी दे विच जिहड़ा सी कई थावां ते पुलिस ने रोड भी पट्टी है, इस दीआं खबरां भी सामने आईआं ने कि पुलिस ने रोड पट्टी है, जिस तरीके पहलां हरियाणा वाले पासे रोड पट्टी गई सी जदों इन्हां नौजवानां दे वल्लों दिल्ली दे वल कूच किया गया सी। ते फिलहाल ये ट्रैक्टर परेड की शुरुआत हो चुकी है, तो इस तस्वीर लगातार असं तो जस पंजाबी के उत्ते दिखाते रहेंगे। तो तस्वीर तुहाडे सामने कि किस तरीके ट्रैक्टर परेड की बहुत वड्डी गिणती एकत्र होकर नौजवानों ने शुरुआत की है। तो फिलहाल जो पहले वाले पासे पुलिस ने बैरीकेडिंग की हुई सी, उन्होंने किसान लंघ चुके हैं ट्रैक्टर के उत्ते, तो उस तो बाद अगले वाले पासे कहा गया कि रिंग रोड के उत्ते वाली परेड जी रिंग रोड के उत्ते लैके जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों यह वड्डा ऐलान किया गया सी, हालांकि दूजे पासे सांझा किसान मोर्चे का रूट होर सी उस रूट तो वक्त हूँ यह जी परेड कढ़ी गई है। तस्वीर तुहाडे सामने कि ट्रालियां भी लिजाइया जा रही ने, ट्रैक्टर का ऐलान किया गया सी, ट्रालियां भी बकायदा लिजाइया जा रही ने। झंडे तुहाडे सामने ने कि किस तरीके जथेबंदियों के झंडे नौजवानों ने टंगे हुए हैं, तो एक ट्रैक्टर के उत्ते बहुत वड्डी गिणती दे विच इस वेले ये तस्वीर तुहाडे सामने परेड की शुरुआत की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच। फिलहाल ये काफला जिहड़ा है बहुत वड्डी गिणती दे विच रिंग रोड वाले पासे वधना शुरू हो चुका है। बहुत वड्डी गिणती दे विच नौजवान जिहड़े ने किवें भाई जी कहिंदे नूं अज किसानां दी परेड है जिहड़ी गणतंत्र दिवस ते, उह अज किसान दिल्ली दे विच एंटर कर चुके हैं अते किसानां दी परेड शुरू हो चुकी है। किसान अपनी जथेबंदियों के आदेश के अनुसार ट्रैक्टर लैके दिल्ली च कूच कर रहे ने, अते बिल्कुल शांतमई ढंग नाल अपना जिहड़ा मार्च है वह करनगे। सरकार नूं कि शांतमई करन देण पूरा रूट, कितें रात विच अड़िक्का ना आउण। मेरी तो यही बेनती है सरकार नूं भी कितें कोई अड़िक्का ना अड़ाया जाए, जे तुसीं अड़िक्का अड़ाओगे तो यह भी कोई घट नहीं है, इन्हां ने भी इट का जवाब अज पत्थर नाल देना। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा कि असीं रिंग रोड से जावांगे, सांझा किसान मोर्चे ने रूट होड़ दिता सी जाना दिल्ली दे विच। इस तो बाद जो भी गल हुई है, चलो दिल्ली सरकार कोई होर रूट देना चाहती सी, किसानों की कोई होर डिमांड सी, इस दे विच किसानों ने कोशिश है पूरी नौजवानों की कि शांतमई रहे सारा कुछ। बिल्कुल शांतमई ढंग नाल होगा, परमात्मा करे बिल्कुल शांतमई ढंग नाल असी हिंदुस्तान के वासी हाँ, भारत के वासी हाँ, बिल्कुल शांतमई ढंग नाल करांगे, असी अपने हक मंगण वास्ते आए। इतिहास लिखा जा रहा है, इस सदी का, यह 100 साल का इतिहास है। मैनू लगता भी साड़ी जिंदगी दे विच जिन्ने नौजवान है ये पहले वारी होया ते लास्ट वारी होया, एड्डा वड्डा संघर्ष, ये वर्ल्ड दा पहला इकट्ठा एड्डा वड्डा, लगभग 30 लाख लोगों का इकट्ठा जो होने जा रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीर तुहाडे सामने, पुलिस की बस भी नाल दी नाल जा रही है जी।
अगे तुम वेख पा रहे हो कि पुलिस वाले भी हुण नाल दी नाल अगे वधणे शुरू हो गए ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ऐलान किया कि असी रिंग रोड के उत्ते जावांगे, तो फिलहाल ये बसा जिहड़ियां ने उहदे विच सवार होकर जो इत्थे मुलाजम पहला बैरीकेड के नेड़े रुके हुए सी उह हुण अगे वधणे शुरू हो चुके ने। ट्रैक्टर बहुत वड्डी गिणती च अगे आ गए ने जी, तो इस वेले बहुत वड्डी गिणती च नारे लाउंदे होए नौजवान जिहड़े ने ट्रैक्टरां ते सवार होकर वह अगे वध रहे ने। ट्रैक्टरां दे नाल ट्रालियां भी जुड़ियां गईयां ने बकायदा। की कहना चाहुंदे हो? हुण तीन तीन जा रहे हैं ट्रैक्टर ते जी, देख रहे हो तुहाडे सामने रिंग रोड ते ले जाऊंगे फिर इहनूं। इह तां जी लाल किले ते शहर वेखो हमला होले, अज मोदी तो पहला झंडा चढ़ जे 11 बजे उन्हें आना, 8 बजे झंडा चढ़िया हो लगता है कि पुलिस हुण रोकण की कोशिश करूगी। रोकी जाए पुलिस नाल भी, तो डंडे किड़े किड़े ने साडे कोल भी, जिओ जिओ पुलिस कोल ने उहो जिहे साडे कोल ने। पुलिस वाले जी अपने भरा ने, अपने भरा ने पहुंच। बिल्कुल जी, बहुत वड्डी गिणती च अगे वध रहे ने नौजवान, ट्रैक्टरां दे उत्ते गड्डियां भी लैके आए हुए ने, तो बहुत वड्डी गिणती च अगे वध रहा है काफिला। पुलिस की बस भी बिच तुहानूं खाई सी, पुलिस वाले भी जिहड़े ने उह लगातार हुण अगले वाले पासे वधणे शुरू हो गए ने। तो इस वेले ये जिहड़ा काफिला है तुहानूं दस्सदे आ कि वह रिंग रोड वाले पासे जाएगा, रिंग रोड वाले पासे रोड तो बदल जाए जी, कोई पता नहीं आ रहे किसान मजदूर संघर्ष रूट का, कोई पता नहीं रिंग रोड तो जे पुलिस ने इधर नूं कीता ने हां इधर नूं निकल जांगे, पुलिस ने रोका नूं निकलने आ जांगे, जिधरों रस्ता मिले उधर निकलने आ। बिल्कुल जी, लोगों का कहना है कि जिधरों भी राह मिलेगा उस पासे निकल जाएंगे। तस्वीरां तुहाडे सामने ने कि किस तरीके नाल बहुत वड्डी गिणती दे विच इह काफिला जिहड़ा है वह अगे वध रहा है, नौजवान ट्रैक्टरां ते सवार ने 8-8, 9-9 दी गिणती दे विच, तो लगातार पूरे जोश के नौजवान जोड़े ने वो अगे वध रहे हैं। तो तस्वीर तुहाडे सामने, ट्रैक्टर परेड की शुरुआत हुई है गणतंत्र दिहाड़े के मौके पर। साल 2001 किसान खेती कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के विचाले ये ट्रैक्टर परेड जी है उन्होंने वो अगे वधा रहे हैं। सो ये तस्वीर तुहाडे सामने कि किस तरीके जो ऐलान किया गया उस के मुताबिक फिलहाल ये परेड अगे वधनी शुरू हो गई है। पुजोगे हुण दिल्ली विचों लंघ के जाओगे? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल शांतमय प्रदर्शन होगा। तस्वीर तुहाडे सामने, नौजवान कह रहे हैं कि शांतमय रखांगे पूरी परेड नूं, किसी तरह की कोई हुलड़बड़ की कोशिश नहीं होगी, पर जेकर रोकण की कोशिश हुंदी है तां उत्थों ओह पूरे तरीके नाल लंघ के अगे जाणगे। ते तस्वीर तुहाडे सामने कि बहुत वड्डी गिणती च ट्रैक्टर जिहड़े ने हुण अगे वधणे शुरू हो चुके ने, ट्रैक्टर परेड की शुरुआत हो गई है। बुजुर्गो की लगता है सरकार मन्नूगी हुण इस तों बाद? बिल्कुल दबाव बनेगा जी और यतन किया जाएगा, असी हर तरीके दे नाल मतलब तिने बिल जिहड़े रद्द करा के जावांगे और मोदी सरकार ते उहदा असर भी पवेगा इस ट्रैक्टर परेड दा, और शांतिपूर्वक तरीके दे नाल असी इह जिहड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हां, शांतमई तरीके प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये साफ तौर पर किसानों वालों कहा जा रहा है जी, थोड़ा लगता कि जो पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो कुछ हो सकता है, जो पुलिस नहीं रोकती तो शांतमई तरीके पूरी हो जाएगी परेड? पूरे तरीके वधिया तरीके दे नाल जी, शांतमई तरीके दे नाल ही परेड करांगे, जिस तरह साडे आगू साहिबानां ने दस्सिया उस तरीके नाल असीं चलांगे, अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं चलांगे। बिल्कुल जी, जिवें इस तरीके नाल किसान जथेबंदियां दे आगू कहणगे उस तरीके दे नाल अगे वधिया जाएगा। इस वेले फुल्लां दी वर्खा कीती जा रही है ट्रैक्टर परेड ते, फुल्लां दी वर्खा कर रहे ने लोग इस वेले। तस्वीरां तुहाडे सामने, जो ट्रैक्टर परेड अगे वध रही है इस वेले बहुत वड्डी गिणती च किसान किसानां दी इस ट्रैक्टर परेड ते फुल्लां दी वर्खा करके उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। तस्वीर इस वेले तुहाडे सामने, किसान अगे वध रहे ने ते नाल दी नाल उन्हां दे उत्ते फुल्लां दी वर्खा करके स्वागत उन्हां दा किया जा रहा है। सामने एक बोर्ड भी लगाया गया सी बकायदा, जथेबंदी नाल ही जुड़े हुए कुछ लोगों के वलों बकायदा बोर्ड ला के वेलकम किया गया। तो इस वेले बहुत वड्डा काफिला दिल्ली वाले पासे वाधा होया, सड़कों पर लोग खड़े ने ते नाल दी नाल सुरक्षा फोर्सां दीआं तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो जी, सुरक्षा दस्ते जिहड़े ने वह भी लगातार इस काफले दे नाल अगे वध रहे ने। इस वेले दी तस्वीर तुहाडे सामने, तो अगे बहुत वड्डा काफला अगे पहुँच चुका है, तो पिछों भी बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर जिहड़े ने वह लगातार अगे आ रहे ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों इस काफले की शुरुआत की गई, सवेरे 8 बजे इस नूं तोरिया गया सी, ते उत्थे जो बैरीकेड सी हटा दिए गए, तो उस तों बाद हुण रिंग रोड के उत्ते इस पूरे जिहड़ा काफला इस नूं लजाउण दा ऐलान किया गया।
हथां दे विच झंडे ने, किसान जथेबंदियां दे झंडे ने, तिरंगा झंडा है, केसरी झंडा है, तो हर किसी के कोल झंडे ने। जिस तरीके जथेबंदी दे वल्लों अपील की गई तो तस्वीर तुहाडे सामने, ट्रालियां जुड़िया हुई ने ट्रैक्टरां दे नाल, खेती कानूनां दे खिलाफ एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिहाड़े दे मौके ते भारत दे इतिहास दे विच पहली वार जदों एक पासे सरकारी तौर ते कढ़ी जाण वाली परेड जिहड़ी है ओह हो रही है इंडिया गेट दे उत्ते, ते दूजे पासे इह परेड किसानां दी दिल्ली दीआं सड़कां दे उत्ते खेती कानूनां दे खिलाफ रोस जाहर करदिआं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਡੰਪ ਆਉਂਦਾ ਕਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੰਪ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ 8-8 10-10 ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਗਰਾੜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੂਟ ਨੇ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਸ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਕੋ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
दाखिल होने जा रही है। तो तस्वीर इस वेले तुसी वेख पा रहे हो, इस वेले किसानों के काफले नूं रोकिया गया। अगले पासे तुसी देख सकते हो जेसीबियां वड्डी गिणती दे विच, ते पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है। इत्थे ते बहुत वड्डी गिणती च नौजवान अगे आ चुके हैं जी। सामने तस्वीर मशीनां लाईआं गईआं ने, पुलिस जिहड़ी आ पूरी तैयारी करके खिंची हुई है। तो आगू जिहड़े ने पिछे बुला रहे ने नौजवानों नूं कि पिछे आओ। फिलहाल इत्थे पूरा काफला पहुँच चुका है जी। ये तस्वीर तुहाडे सामने पुलिस सुरक्षा दस्ते अगे तैनात ने इस वेले। तस्वीर तुहाडे सामने, ये तस्वीर बहुत वड्डी गिणती दे विच इस वेले जिहड़े बैरीकेड ने सीमेंट वाले बैरीकेड चक के जिहड़ा जिहड़ी ने तस्वीर तुहाडे सामने है कि किस तरीके नाल इत्थे सज्जे पासे मुड़न दे लई बोर्ड लाया गया सी पुलिस दे वल्लों। तो फिलहाल इत्थों मुड़न दे लई कहा जा रहा है। तस्वीर तुहाडे सामने पुलिस जिहड़ी है इसनूं मोड़ रही है। की कह रही है पुलिस इत्थों वापस मुड़ के रोड सज्जे पासे मुड़ो? हां नहीं नहीं सज्जे पासे आंदे मुड़ो, इधर इधर लेके जाओगे? हां नहीं इधर जाएंगे, सीधे जाओगे? सीधे जाएंगे। गलबात कर रहे हो? हां गलबात चल रही है। तो बिल्कुल जी इस वेले सीधे पासे जाण दी गल कह रहे ने किसान। तो पुलिस वड्डी गिणती दे विच पुलिस इत्थे तैनात है, पुलिस इत्थे तैनात है। पुलिस तुहाडे नाल है, पुलिस जिहड़ी इस वेले देख रही है। तो वलंटियर जिहड़े ने इस वेले, ये वलंटियर ने इस वेले जो इस पासे रोक रहे ने, ठीक है। तो एक पासे रखने की कोशिश की जा रही है लोगों को, एक पासे रहन लोग। तो फिलहाल ये वलंटियर जिहड़े ने इत्थे उन्होंने वालों ये रोकड़ बनाई गई है। तो तस्वीर तुहाडे सामने, तो तस्वीर तुहाडे सामने नाल। तो इस वेले वलंटियर जिहड़े ने वह नौजवानों नूं कह रहे हैं कि पिछे आउण। तो इस वेले तुसीं वेख सकते हो कि नौजवानों के वलों डंडियां दे जरिए एक तरह के नाल इत्थे रोक बनाउण की कोशिश की गई है कि पिछे रहन, जिस तरीके नाल लीडर कहणगे उस तरीके नाल अगे वधिया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर तुहाडे सामने नौजवानों नूं रोकण की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगे पुलिस जिहड़ी है तुसीं वेख सकते हो बहुत वड्डी गिणती दे विच पुलिस जिहड़ी है इत्थे तैनात की गई है। तुसीं वेख पा रहे हो जी लाल किले की यह तस्वीर है जिथे किसानी का झंडा फहराया गया, तो नाल दी नाल केसरी झंडा भी फहरा दिता गया। तो उसके बाहर किस तरीके नाल बहुत वड्डी गिणती च इत्थे जिहड़े नौजवान ने, बजुर्ग ने, तो बच्चे ने एकत्र होए ने। तो सब के विचाले एक वड्डी तस्वीर तुहाडे सामने कि किसान तुरे सी तो उस अगे सामने बहुत वड्डी गिणती च नौजवान जिहड़े ने लाल किले के उत्ते चढ़ के झंडा उन्होंने फहरा दिता है। तो गणतंत्र दिहाड़े के मौके पर परेड कढ़ी जानी सी, तो परेड कढ़ते हुए रिंग रोड तो होंदे हुए अगे किसान इस वेले लाल किले ते मौजूद ने जी। लाल किले ते किसानी का झंडा फहराया गया, तो नाल दी नाल केसरी झंडा लहरा दिता गया। तो उसके सामने तुसीं तिरंगा झंडा भी वेख सकते हो। तो नाल दी नाल मंग यही की जा रही है किसानों के वलों कि खेती कानूनों के खिलाफ ये रोह है, उन्हों का रोस है, तो उसे जिताने के लिए यह परेड भी कढ़ी गई। एक पासे देश की 72वीं गणतंत्र दिहाड़े की परेड हुई, तो दूजे पासे किसानों के वलों परेड की गई। तो तस्वीर तुम वेख सकते हो कि पुलिस मुलाजमान के नाल उत्थे कुछ नौजवान जिहड़े ने उत्थे डटे हुए ने झंडे के नज़दीक, तो पुलिस वाले उन्होंने उत्थों हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तो बाद थले वाले पासे जेकर असीं वेखिए तो बहुत सारे ट्रैक्टर इत्थे लाल किले के सामने खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस वाले साइड पर बैठे ने, होर सुरक्षा दस्ते जिहड़े ने वो साइड के उत्ते बैठे हुए ने मुलाजम। तो इस वेले सामने तस्वीर इत्थे प्रधानमंत्री वालों तिरंगा फहराया जाता उस थान के उत्ते आके हुण नौजवानों के वलों किसानी का झंडा लहरा दिता गया। तो इस वेले नौजवान उत्थों झंडे के कोलों हटे ने जी, जो झंडा फहराया गया किसानी का, तो सिक्खी का झंडा तिरंग। इस वेले नौजवान उत्थों हटने शुरू हो गए ने, ये दो झंडे केसरी झंडा तो दूजा किसानी का झंडा ये फहराया गया। तो उस तो बाद हुण फिलहाल नौजवान उत्थों उतरे ने, पुलिस वाले भी उत्थे लगातार खड़े हुए थे। फिलहाल हज़ारों की गिणती के नौजवान जिहड़े ने इत्थे एकत्र होए ने। और कोई नौजवान साडा नशे नहीं करता, कोई नौजवान साडा टोमटा नहीं लाउंदे, कोई लत्ता नहीं खिंचदे। बात मारा
ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾਪਦੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ इस वे तस्वीर तुहानू लाल किले दे अंदर दी तस्वीर नौजवान की तस्वीर तुहानू दिखाना चाहांगे जी तरन तारण दे इलाके तो यह नौजवान है जिसके वालों उत्ते झंडा फहराया गया किसानी का भी ते केसरी झंडा भी इतिहास नवा बनिया 26 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਛੱਡਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਾਂਗੇ 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ सत श्री अकाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का असी गाजीपुर बार्डर तो आए हैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी तो असी 60 से 70 ट्रैक्टर अगे ले आए हैं ये लड़ाने कोशिशा की अज सा भाईचारा बहुत ज़्यादा वधिया बनया असी कट्ठे उत्थे लंगर सकते हैं कट्ठे असी बहने असी मोदी को यह कहना चाहते हाँ भी जो अज परेड हुई है ये मेरी 65 साल की उम्र होगी मैं पहली बार ये परेड ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਕਾਨ मजदूर नू रुजगार रोटी ये मिलनी चाहती है ऐसा सरकार बने लेकिन जड़ी सरकार बनी है ये सरकार ने मजदूरों का बिल्कुल ही घाण करता भी जो मजदूर रुड़ रहा बड़े कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं होया किसी ना किसी का असी ने सारे नू समझाया भी नौजवान दे विच जोश हुंदा है नौजवानों नू समझाया कोई झगड़ा नहीं होया मैनू ये जरूर लगता है भी गौरमेंट की चाल जरूर है कितने ना कितने कोई बसों के शीशे तड़ाते होने तोड़े इन्होंने बंद ने और ना लाना चाहते होंगे किसान यूनियन के वैसे साड़ी किसान यूनियन 2 महीने हो गए बैठे बार्डर से किसी का कोई दुकान का नुकसान नहीं किया कोई भन्न तोड़ नहीं की सारे बड़े प्यार रेंदे ने इन्हों ने यह परेड तो पहला भी असी बंदे फड़े भी जेडे बंद परेड के बाड़ना दिया भी वह झगड़ा करना कोई रोड़ा बट्टा मारन पुलिस वालों के ता कि कह भी किसानों ने बट्टे मारे या रोड़े मारे लेकिन जो किसान है वह बहुत सियाना किरती है इनू जागृति बहुत आई हुई है बहुत पढ़े लिखे किसान ने आ जिहड़ा तोमर तस्वीर असं दिखाना चाहेंगे तो तुम सोचा कि इस तरीके झंडा उत्थे आके फहराना लाल किले ये पक्का मन दे विच धार रहा है तो मोदी के मन च शक ही कि जिहड़ा वा काम हो नहीं सकता जदों उन्हां को रूट ही साडा मुकर्रर हो चुका है कि इस रूट के उत्ते साडे जिहड़े किसान संघर्ष कमेटियां जिहड़ियां बनियां वा उन्हां दी रहनमाई हेठ ही इत्थों तक पहुँचे हाँ उन्हां दी रहनमाई हेठ ही गांह अगे तक अपनी मंजिल तक पहुँचांगे बाकी जिहड़े काले कानून है रद्द करा के छड्डांगे जिहड़ियां इन्हां ने गड्डियां दी बापू जी होणां ने गल की कि गड्डियां ये इन्हां दीआं खोदियां कोजियां चल लावांगे मतलब इस संघर्ष नूं बदनाम करन वास्ते पर साडे नौजवान वीर भी ते साडे बजुर्गां दे कहां ते चल रहे आ नौजवान वीर भी एक भी गलती नहीं करदे क्योंकि साडा संघर्ष जिहड़ा वा उह जिहड़ा होर मजबूत होवे ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋਗੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਜ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਆ ਮੰਨੀ ਮੰਗ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਫਰਕ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰੰਗਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਾਂ ISI ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਝੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਕਸਦ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟਾਏਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਬਾਥ ਲਿਆਉਗੀ। ਦੇਖੋ ਦਬਾਥ ਲੈ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੂਗੀ? ਜੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁੰਬਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਭੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।